नमस्कार दोस्तों, आज राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में चिनहट के धावा ग्राम से कई ग्रामीण और किसान राकेश यादव के नेतृत्व में पहुंचे और भू माफिया को लेकर अपना दर्द बयान किया कि किस तरीके से जमीनों पर कब्जा हो रहा है, एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। क्या है पूरा मामला वो हम राकेश यादव से जानेंगे और साथ ही बुलडोजर बाबा योगी बाबा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये ग्रामीण ये किसान क्या अपील कर रहे हैं वो भी एक सुनने वाली बात है। अपना परिचय देते हुए, राकेश यादव है, तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम सभा धावा में जो हमारे माननीय सांसद रेखा वर्मा के जो भाई अपने आप को बताते हैं पंकज वर्मा, जो इस टाइम हमारे ग्राम सभा धावा में भू माफिया के डकैत बने हुए हैं, पूरा जमीनों पे कब्जा कर रखा है। कहाँ का मामला है ये? ग्राम सभा धावा का। किस जगह है ये धावा? ये चिनहट देवा रोड पे टाटा मोटर्स के बगल में है। ये 327, 331, 454, 455, 335 नंबर जमीनों पे कब्जा किए हैं। ये घाटा नंबर है? ये घाटा नंबर है। अगर बाई चांस कोई किसान अगर इनके विरोध में बोलता है, कुछ कहता है, तो उसके नाम तुरंत एफआईआर लिखा देती है। डर और भय की वजह से कोई किसान के सामने नहीं आता है। कम से कम 40-45 आदमियों के नाम इन्होंने एफआईआर करवा दिए। आज अभी एक हादसा हमारे सामने, अभी यहाँ मैं आया हूँ, वो लोग यहाँ आने वाले थे 454 नंबर पे, प्रताप करके, रिंकू करके बेचारे, उनके उनको आवंटन की जमीन मिली थी 2 बीघे। आज वो स्थित है कि वहाँ पे वो कुछ करने जा रहे थे, उनको जेल के अंदर मतलब थाने में 24 घंटे बैठा रखा। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती इनके विरोध में, क्योंकि इनको भी अपने आप को जो है रेखा वर्मा का भाई बताते हैं, लेकिन इस टाइम इनको सरकारी गनर मिला है, गनर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। थाना भी इनके साथ में है? थाना और तहसील सब इनके साथ, थाना चिन्हट लगता है। जी जी जी, अगर हम कई बार इनके खिलाफ में ऊपर में कार्रवाई की तो हम लोग कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। और जबकि पंकज सिंह अपराधी किस्म का आदमी है, जमीन संबंधित लेकर के वसीगंज थाने में इनके नाम एफआईआर है, कृष्णानगर थाने में है, विकास नगर थाने में इनके नाम एफआईआर है। चिनहट में कई बार प्रयास किया कई लोगों ने, लेकिन एफआईआर इनके विरोध में नहीं लिखी गई। जबकि ये कई बार हम लोगों पर वार भी कर चुके हैं, और जो इनको विरोध में बोलता है तो उसको एकदम लाइन से लगा देते हैं। आज मैं आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, किसी भी टाइम मेरी भी हत्या करवा सकता है, ऐसा दबंग किस्म का आदमी है। इसके ऊपर कोई विधायक की कृपा है और प्लस सांसद जी, माननीय सांसद जी जो अपने आप को कहती हैं कि मेरा ये भाई है, लेकिन हमको विश्वास नहीं कि ये भाई होगा, क्योंकि पंकज सिंह इस तरह का अपराधी किस्म है, सांसद जी का भाई नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे अगर उनका भाई भी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी इस तरह के कुकर्म मत कराएं, आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है। ये अगर एरिया की बात करें तो कितना एरिया है जो विवादित है, जो कम से कम 25-30 बीघे पक्के जमीन पे काम कर रहे हैं। 335 नंबर जो अरबों खरबों की जमीन है, जो आज 7,000-8,000 रुपए स्क्वायर फीट ढेर पूरी कब्जा कर लिया इन्होंने। जी, 454 नंबर 13-14 बीघे जमीन है, उस पर भी कब्जा इन्होंने कर रखा। 327 बेदखली गाटर है, लेकिन फिर भी उस पर कब्जा कर लिया। 454 का भी बेदखली गाटर है, फिर भी उस पर कब्जा कर लिया है। जी, तो ये हाल है सर। ये कब्जा किस तरीके से है? बाउंड्री वॉल करी गई है, कुछ निर्माण हुआ है? बेचा जा रहा है, प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है। अगर किसान से 2000 स्क्वायर फीट लिए, बेच रहे 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, प्रशासन से मिलकर के ऐसा कर रहे हैं। तो किसान करता होगा, रजिस्ट्री किसान अगर करता है तो हम करें। अगर हम किसान कर रहे हैं 2 बीघे जमीन को, तो 10 बीघे क्यों बेची जा रही है? तो उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब किसान जो रजिस्ट्री कर रहा है वो 2 बिस्वे की कर रहा है, लेकिन पेपर में 10 बिस्वा है। 10 बिस्वा जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, ये हाल है। थोड़ा सा दिखावटी के लिए करते हैं, उसके अलावा बेच देते हैं बहुत प्रशासन से मिल करके। जी, अगर कोई इनके विरोध में कुछ बोलता है तो उसके नाम तुरंत एफआईआर होती है। जी, ये अपने आदमी लगा देते। मुख्यमंत्री जी, बाबा जी का बुलडोजर चारों ओर दौड़ रहा है, भू माफियाओं पे कड़ी निगाह है, बाबा जी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ एक तरफ भू माफियाओं को मिट्टी मिलाने की बात करते हैं, मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पंकज जी के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, अनुज यादव के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, शिवराज के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, रामपाल पे बुलडोजर कब चलेगा, इसकी जांच करा करके विरोध कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए।